स्वागत है जी मोटर होम सीरीज की अगली वीडियो के अंदर। और आज क्योंकि हमारा पहला, हम इसको लेके आए हैं, पहली रात है मोटर होम के अंदर जो हमने काटनी है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अभी सेट कर रहे हैं। और वॉलमार्ट में हमने ग्रोसरी में सामान लेने जाना है इसके और रहने लायक बनाने के लिए, बट वो अलग बात है। आज हम इसके अंदर अभी इस वाले वॉलमार्ट में नहीं रुकेंगे, अगली जगह जाकर रुकेंगे, बट इसको फिलहाल सेट कर रहे हैं। और सैंड्रा कोशिश कर रही है इसको खंभे के जितनी नज़दीक हो सके लगाने की। योर गुड कम 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 आगे। और आगे इसको इसलिए लेके आ रहे हैं हम क्योंकि ये चार पार्किंग के स्लॉट हमने अपने लिए रख लिए हैं। और ये जो स्लाइड आउट है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये बाहर निकला था डाइनिंग एरिया, ताकि अंदर रूम ज़्यादा बन जाए। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमने ऐसी जगह पे मोटर होम खड़ा किया कि राइट साइड पे कोई और गाड़ी नहीं आएगी, तो सबके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तकरीबन ये लगा लीजिए 1.5-2 फुट के आसपास बाहर निकला है। अब अंदर जाके देखता हूँ कोई खास फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसी चीज़ के अंदर अगर 1.5-2 फुट जगह भी मिल जाए ना, तो थोड़ा सा मजा सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि वैसी मामला टाइट है। ओह नाउ वी आर डांस फ्लोर, जगह खुली खुली होगी। आई नोटिस कि यहाँ पे जो आगे हीट होती है ना, जैसे गाड़ी आपने हीट करनी हो तो फ्रंट हीटर होता है, तो ये बेसिकली जब इंजन चल रहा है तो हम इसको भी गर्म रखें तो अच्छा है ना, कि जितनी ज़्यादा हीट प्रिजर्व हो सके जब इंजन ऑन है। जैसे अब रस्ते में हो तो इंजन की हीट वाला ये हीटर नॉर्मल गाड़ी की तरह चलता है, मगर इसके अंदर एक ये स्पेशल बटन है रियर हीटर का, ये पिछले जो हमने मोटर होम लिया था उसमें नहीं था। तो इसको यहाँ से ऑन करो तो पीछे भी इंजन वाली हीट जो है इवनली स्प्रेड हो जाती है, ताकि प्रोपेन पे लोड ना पड़े, तो विच इज़ अ गुड थिंग। सो एटलीस्ट इससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओह कमिंग फ्रॉम हियर, ओके ये यहाँ नीचे से आ रही है, क्योंकि ऊपर जो है शायद एसी वाले हैं, वहाँ पे फील हो रही है। और ये इसका कंट्रोल पैनल है मोटर होम का, मैं आपको बार बार पहले वीडियोज में भी बता चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये यहाँ पे ये बताता है कि फ्रेश वाटर का टैंक फुल है, ब्लैक वाटर यानी कि सीवरेज का टैंक खाली है, ग्रे वाटर यानी किचन और नहाने वाला टैंक भी खाली है, और मेन LPG गैस प्रोपेन ये हमेशा फुल होनी चाहिए, और मतलब कभी खाली नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी फुल है और हमें इसी कंडीशन में ये मिली है। तो बाकी डिटेल डिस्कस करते हैं, इसकी आगे वॉक थ्रू बनाएंगे जब हम सुबह उठेंगे, मगर फिलहाल इसके अंदर हमें जो रात को सोने की इम्पोर्टेंट तैयारी करनी है उसके लिए सामान लें, उसकी शुरुआत होगी भोजन से। और ये मेन चीज़ उन्होंने कही थी, इसको हीटिंग सिस्टम को कभी बंद नहीं करना, और 16 डिग्री पे इसको रखना है, ये मिनिमम टेम्परेचर है जो आपको रखना है, ऊपर आप जितना मर्जी अपनी मूड के हिसाब से बढ़ा लें। अभी तो हम इसको ताकि प्रोपेन कम लगे, इमरजेंसी में ख़त्म ना हो जाए, तो इतने रखेंगे। रात को शायद सोते हुए मैं इसको 21-22 डिग्री कर लूँ कि कंफर्टेबल हो जाए, हल्की हल्की ठंड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंबल भारी हैं, क्योंकि जितना हम टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगे कि हमें उतनी गर्मी चाहिए, उतनी प्रोपेन ज़्यादा बर्न होगी। और इसके जो टैंक होते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर -10-20 है बाहर, तो अंदर तो चलो हीटिंग है, मगर प्लम्बिंग के जो टैंक्स हैं, चाहे वो उसका फ्रेश वाटर का टैंक हो जिससे कि पानी इन नलकों में आता है, और अगर इसका चाहे वो ग्रे वाटर हो या ब्लैक वाटर के, मतलब सीवरेज के, वो सारे के सारे टैंक हीटेड हैं। उन टैंक्स को अलग से हीटेड रखा जाता है ताकि उनके अंदर मामला जम ना जाए। बट ये मैडम कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। व्हाट वर यू शोइंग डॉल? सेपरेट इलेक्ट्रिक हीटर, ये इन्होंने रखा है कि भाई, मगर बट फॉर दिस यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, दिस कैन नॉट रन ऑन कोच बैटरी, ओनली व्हेन कैंप ग्राउंड और व्हेन द जनरेटर इज ऑन, क्योंकि इसके अंदर जनरेटर है, इसको चलाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बैटरीज जो है ये कोच बैटरीज कितनी ही चल जाएंगी, तो इसीलिए अगर हमें बहुत देर उसको यूज करना हो, या फॉर दैट मैटर मेरे को अगर अपना लैपटॉप भी चलाना हो,
तो जो पावर सॉकेट्स हैं इसके अंदर, उनके अंदर पावर तभी आती है अगर कैंप ग्राउंड से पावर ले रहा हो या फिर जनरेटर से पावर चल रही हो। ये बहुत सारे लोगों को जो पहले वीडियोस देखते आए हैं उनको पता ही है, थोड़ी सी रेपिटेशन हो रही होगी, आई एम सॉरी, बट आप लोगों को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले मोटर होम स्विच चैनल ना देखी हो, तो उनको इन चीज़ों का बताना, तो मैं ब्रीफली फटाफट क्विकली क्विकली बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट ना रह जाए माइंड के अंदर। Selfish new dimension in my mind. You're exotic like a diamond. I can't shake you. My sticky Aunt Jemima, sugar high. ये आगे मैडम की बेरीज, ये सलाद का सामान इकट्ठा हो रहा है। I just wanna drink you down. लॉटरी लग गई। अरे दाल मखनी एक ही है, सबसे बेस्ट गिट्स की दाल मखनी होती है। सारी खत्म हो गई, तभी चुकी गई, देख लो बाकी कितना माल पड़ा है, बट दाल मखनी चुकी गई। चलो थोड़े एक राजमा भी लेते हैं। ओ ये पड़ी, चलो ये तो लगी है। ऑफ कोर्स इसके बिना तो मैडम का गुजारा ही नहीं है। अब जी पानी बड़ा जरूरी है, पहले तो हम स्टोरेज में डाल देते थे मगर कि स्टोरेज हीट उठ तो नहीं है, स्टोरेज में जम ही ना जाए, तो समझ नहीं आ रहा। चलो दो तो कम से कम फिर भी ले ही लेता हूँ। ये तो चार का पैक है, इसको चीरो, या चार भी रखी यार बाद में देखेंगे। नहीं चुको। ये जी हमारी एक हफ्ते की तरकारी आ गई है, जरा आप अंदाजा लगाइए कि सब कितना पैसा लगेगा। हमने मतलब एक हफ्ते का पूरा नहीं है, सैलड वगैरह भी दोबारा लेनी पड़ेगी, बट फिर भी फिलहाल का काम हो गया। $175 का बिल बना है, $175 राइट डाउन? $147 ओ आई फ्लिप 74 147 $150 लगभग। भाई सामान अंदर पहुंचाते हो? लॉक? नो नो आई अनलॉक्ड इट। यू अनलॉक्ड इट? यस यस। नो I locked it back? Yeah, you locked it back. सामान अंदर आके सेट किया और अब ठंड बढ़ गई है थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। और अब हम खाने वाने की तैयारी कर रहे हैं कि भाई रात का डिनर जो है हमारा पहला सेट हो, चीज़ें फ्रिज के अंदर भी सेट करनी है, उसमें भी टाइम लगेगा। मगर हमने ये सोचा था कि हम यहाँ से सामान वामान लेके ना कि निकल जाएंगे कोई 1.5-2 घंटा आगे के जो शहर की हद है वो पार कर लें, ताकि हम थोड़े ऐसे एरिया में पहुँच जाएँ जहाँ से सीधा अच्छे नज़ारे शुरू हों। बट हमको थकान इतनी हो गई है और काम और मौसम का भी ऐसा है, तो इसीलिए अभी हमने टेम्परेचर चेक किया, हम हैं न्यू वेस्टमिंस्टर में। ये मैप पे खोला तो पता लगा 5 डिग्री टेम्परेचर है और रात को सब जीरो टेम्परेचर नहीं जाना, तो इसीलिए हमने सोचा कि रात को अभी प्रोपेन भी इसके अंदर फुल है, सारी चीज़ें पानी वगैरह सब फुल है, तो पहली रात $60-70 कैंप ग्राउंड में जो लगते हैं वो क्या खर्च करने, एक रात हम यहाँ काट लेते हैं। तो इसीलिए अभी जेनसेट वगैरह हम ऑन करके थोड़ा चला लेंगे, देखेंगे कि भाई बिना किसी कैंप ग्राउंड के पूरी रात काटी जा सकती है कि नहीं काटी जा सकती, ताकि अगर कोई पंगा होना तो पहली रात ही होकर पता लग जाए, क्योंकि वो जगह जो है ना वो बिल्कुल पास में है जहाँ से हमने ये मोटर होम लिया है, तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। चिप्स? I was thinking of having some now. Yeah, okay, okay. No problem. और हम जो सैलड वगैरह खाते हैं ना उसके लिए तो चूल्हा वगैरह खास जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट चिकन वगैरह आया थोड़ा सा करी वगैरह मिक्स करके बनाएंगे तो गैस के चूल्हे पे अपना काम हो जाएगा। मगर मेरे को पता नहीं, जब से उन्होंने बोला ना प्रोपेन खत्म नहीं होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, प्रोपेन नहीं खत्म होनी चाहिए, सब कुछ जम जाएगा, तब से मेरे को थोड़ी घबराहट हो गई है, इसलिए मैं दरवाजा भी बंद रखता हूँ, टेम्परेचर भी कम रखा हुआ है कि भाई प्रोपेन फुल रहनी चाहिए। यू नीड टू टर्न ऑन द पंप लव। Can you help me with that? Yes. Now the pump is on. देखो जी काम सारे बांट के होते हैं ना, तो इसलिए मेरी कटाई की ड्यूटी लगती है। मैडम जो है सेटिंग वगैरह कर लेती हैं, वॉशिंग, अपन जो है कटिंग, एंड बाद में डिश वॉशिंग की जिम्मेवारी मेरी है।
और मजा तब है अगर बिना टूटे सिंगल के अंदर ऐसे निकल आए, ये सफाई से काम होना चाहिए। आज थाई करी लेके आई है मैडम, दोस्तों साथ चिकन मिक्स करके बना देंगे, वरना तो दाल राजमे परांठे नान वान सब मिल जाते हैं यहाँ पे वनकूवर के पास हमें, तो सरी पास में ही, तो सारी इंडियन चीजें अचार वचार सब, अचार का नाम लेता है इसकी बड़ी मुश्किल से पिछली नाम मिलता बड़ी मुश्किल से इसकी लत छुड़ाइए, यू गॉट एडिक्टेड लास्ट टाइम, बी केयरफुल। वेयर इज योर माइक, वेयर इज योर माइक? You removed your mic? No. I didn't touch it though. It was on the jacket. You remove your jacket. Madam ne mic hi la diya apna. I can talk in yours. Okay, can you hear me? 1 2 test, 1 2 test. turn on the gas. Now the flame. Yes. Oh, it's on. The lights are cool. Yeah, I know, neon lighting, eh? I like. देखो जी, अगलों ने ये एक स्कॉच ब्राइट और एक ये डिश वॉशिंग लिक्विड जो है साथ में दिया है कि भाई आपने पानी टिंडर अपने धोने हो, थोड़ा टाइम तो ये काम कर जाएगा, बाकी अगर हमें और रहना पड़े तो एक छोटी वाली और खरीद लेंगे। और क्योंकि काम हम बांट बूंट के डिवाइड करके करते हैं, तो मैं बताया था भांडों की जिम्मेवारी मेरे पे, मगर ऐसा होता है कि कई बार जैसे मान लो कि मेरे को कुछ करना है इम्पोर्टेंट काम, या मैं अपनी एडिटिंग में लगा हुआ हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो सेंट्रा भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती, कर देती है, या मैं देखता हूँ कि वो कोई अपना इम्पोर्टेंट मेल ड्राफ्ट कर रही है तो मैं करता हूँ, तो वैसे मिलजुल के ही काम चलते हैं जी, क्योंकि सारे काम खुद करने होते हैं यहाँ पे। Ties me like a cobra, girl, you're charming. I caught you like pneumonia. हाँ जी, पाने टिंडर धुल गए सारे और अपना तैयारी हो गई है सोने की, मैडम भी बस ऑफ है, मतलब हालत खराब है इनकी, शी इज डन। यू नो व्हाट आई जस्ट नोटिस्ड? यस, व्हाट? द न्यू पिजामा दैट यू बॉट मी इज एक्चुअली मैचिंग विद माय चप्पल। ओह या, चप्पल हैज रेड चेक्स। वाह जी वाह, हमने ना एक्चुअली, मैं वॉलमार्ट गया था तो बड़े टाइम से हम ढूंढ रहे थे कि हम दोनों को सेम जो है नाइट सूट मिल जाए। मैं निकली जब रात में नजर पड़ गई इन पे, यूएस पोलो ब्लू पे सेल लगी हुई थी बड़ी तगड़ी, सिर्फ $15 का मिल गया पूरा जोड़ा, और वो मेरी मसंद का जैसे हुडी वाला, क्योंकि मेरे को रात को एक बार ठंड लगे ना तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। और ठंड से याद आया, एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम दोनों साथ नहीं सो सकते, वजह ये बिकॉज शी गेट्स हॉट वेरी सून एंड आई नीड वार्मर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ माई थ्रोट एंड एवरीथिंग। सो यस, नो, रियल स्टोरी, आई स्लीप एट नॉर्मल टेम्परेचर। Achha. But you like it very warm. Oh, that's okay. The real story, no? फैसला फाइनली ये हुआ है कि बेडरूम में मैं सोऊंगा, उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पे इसको 21 डिग्री पे भी सेट करते हैं तो ये जो एरिया है, क्योंकि हीटर यहाँ है बहुत जल्दी ये गर्म होता है, और ये पीछे छोटा एरिया है और टाइट है, तो इसके अंदर हीट रहती भी बहुत टाइम तक है, वो वहाँ पे इफ़ शी ट्राइज टू स्लीप देयर देन शी माइट फाइंड इट सफोकेटिंग, बट ऑन द सेम टेम्परेचर दिस एरिया रिमेन्स कोल्ड एंड दिस इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द मोटर होम, क्योंकि यहाँ पे छत ऊपर नजदीक लगती है और हीटिंग इतनी यहाँ तक पहुँचती नहीं क्योंकि वेंट यहाँ पे है। सो प्लीज क्लेरिफाई, पीपल विल थिंक अदरवाइज दैट वी आर ऑलवेज स्लीपिंग सेपरेट, इट्स ओनली इन द मोटर होम बिकॉज इट्स विंटर टाइम एंड इट्स वेरी सफोकेटिंग इन द रूम व्हेन इट्स सुपर वार्म एंड आई लाइक इट कोल्ड। तो इसीलिए भी जो है गुजारा ऐसे ही होगा मैडम, उतने असी थले, क्योंकि अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे तो सुबह तक गला हो जाएगा, तो इसीलिए फिलहाल अपने सोने का टाइम आ गया है जी, कल निकलेंगे ट्रिप पे और कोशिश करेंगे कि खुद भी थोड़ा कनाडा देखें, बाकी आप लोगों को भी दिखाएं। मगर वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।